अभी जो सरकार ने जो कार्रवाई की उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखो, पहले तो पुख्ता सबूत नहीं है कि ऑन रिटर्न नहीं आया है कि फेडरेशन रद्द हुई है या सिर्फ संजय सिंह को रद्द किया जा रहा है। तो रद्द किया गया है, तो जैसा भी मुझे प्रॉपर तरीके से पता चलेगा मैं आपके साथ जरूर बातचीत करूंगा। आगे की रणनीति क्या है आपकी? अभी क्या इंतजार क्या कर रही है, आगे क्या करेंगे? इंतजार यही है कि पुख्ता सबूत मिल जाए, रिटर्न में पता चल जाए कि क्या चीज रद्द हुई है, फेडरेशन है या संजय सिंह रद्द हुए हैं। तो जैसा भी होगा फिर आगे। इस बयान के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने पीसी की और कहा है कि मैं अब कुश्ती से संन्यास ले चुका हूं, मेरा अगला कदम लोकसभा चुनाव है, उस पर क्या कुछ कहेंगे? देखो, वो उनका पॉलिटिकल है, वो उनका एजेंडा है, लेकिन हमारी जो लड़ाई है वो सरकार से ना थी और ना आगे रहेगी। हमारी लड़ाई सिर्फ एक आदमी से थी, हमारी लड़ाई जो है महिलाओं के लिए थी, फेडरेशन में जो बेटियां हैं, जो नए रेसलर्स हैं उनके लिए थी। और बस ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं अपने तरीके से, जैसे भी है। मैं तो संन्यास का मैंने अनाउंस किया है और बस यही चाहूंगी कि जो आने वाली बेटियां हैं, बच्चे हैं, उनको न्याय। क्या साक्षी मलिक संन्यास वापस लेंगी? क्या संन्यास वापस लेंगी? अभी मैंने बताया है, जैसा भी आगे होगा वो मैं फिर आपको बता दूंगी। सत्य सटीक बेबाक।